हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये दो कलर से बैग बनाएंगे, तो चलिए अब हम बैग बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम इसको कट करते हैं, उसके बाद हम मेजरमेंट करते हैं। उसके लिए आपको ये स्केल ले लेना है, तो आप स्केल ले लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ से निकाल के अब हम मेजरमेंट करते हैं। तो आप ये रेत लेके आपको मेजरमेंट कर लेना है। उसके लिए आप यहाँ पे देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद यहाँ पे आप 9 पीट लेके, यहाँ आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 9 पीट लिया। आप भी ऐसे 9 पीट मेजरमेंट कर लीजिएगा। मेजरमेंट करके यहाँ पे 9 पीट मेजरमेंट लेके आप कट कर लीजिएगा ऐसे। ये रेत को आपको सबको 9 पीट लेके वैसे मेजरमेंट करके कट कर लेना है। तो आप भी वैसे 9 पीट का मेजरमेंट लेके कट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे वाइट है, तो आपको वाइट को वैसे यहाँ पे 8.5 पीट लेके आपको मेजरमेंट करके कट कर लेना है। ये वाइट को 8.5 पीट लेके आपको मेजरमेंट करके ये वाइट को कट करना है। तो आप वैसे करके कट कर लीजिएगा, जैसे मैं रेत को कट करके दिखा रही थी वैसे आप मेजरमेंट करके कट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कट कर दिया वेयर। तो यहाँ पे मैंने रेत को 9 पीट करके कट किया, उसके बाद यहाँ पे वाइट को 8.5 पीट करके वाइट को कट किया। उसके बाद यहाँ पे रेड आपको 20 वेयर कट करना है। यहाँ पे मैंने 20 वेयर कट किया। उसके बाद ये वाइट को 8.5 पीट करके मैंने यहाँ पे 22 वेयर कट किया। तो आप भी वैसे करके कट कर लीजिएगा। रेड और वाइट मिला के दोनों टोटल 42 वेयर से, तो आप भी 42 वेयर्स कट कर लीजिएगा दोनों को मिला के। उसके बाद गाइस अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आप ये वेयर को लेके, जो हमने कट करके रखे थे वो वेयर को लेके आपको ऐसे बराबर कर लेना है। ऐसे बराबर करके उसके बाद यहाँ पे भी आपको वैसे कर लेना है, बराबर करके ऐसे कर लेना है। उसके बाद दूसरी वेयर भी लेके आपको वैसे बराबर कर लेना है। ये बराबर करने के बाद उसके बाद इसको ऐसे बेसिक नोट बनाना है। यहाँ पे ऐसे करके बना लीजिएगा, यहाँ आप देख लीजिए आराम से ऐसे करके बना लीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हो ये वाइट को भी आपको वैसे बनाना है जैसे हमने रेत बनाए थे, वैसे आपको ये वाइट को भी ऐसे करके बना लेना है। यहाँ पे बेसिक नोट बनाना है ऐसे करके। यहाँ आप देख सकते हो ऐसे करके बना लीजिएगा। यहाँ पे मैंने वाइट ले लिया, जो आगे हमने बेसिक नोट बना के रखी थी उसको आपको ऐसे ले लेना है। लेके फिर ये इसको आप पहले वाइट ले लीजिएगा, उसके बाद फिर आप इसको ऐसे कर लेना। उसके बाद फिर ये रेत को, यहाँ आप देख सकते हो ये रेत को लेके फिर आपको इसमें ज्वाइन कर लेना है ऐसे करके। ऐसे करके ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, बस आपको बेसिक नोट बनाने हैं। यहाँ पे भी, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बना लिया। उसके बाद फिर आप इसको ऐसे टर्न कर देना है आपको ऐसे, यहाँ आप देख सकते हो। उसके बाद फिर ये रेत को ऐसे लेके, फिर ये वाइट को लेके, ये दोनों को भी फिर ऐसे करके आपको बना लेना है। यहाँ आप देख सकते हो
अब ऐसे बन गए, वैसे करके आपको बनाना है। उसके बाद फिर यहाँ आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे पहले वाइट लेके यहाँ पे बनाई थी, फिर ये रेड है, उसके बाद फिर नेक्स्ट ये वाइट ले लीजिएगा। आप यहाँ पे देख लीजिएगा अच्छे से, यहाँ पे दो वेयर है रेड, तो आपको ये नहीं लेना है, ये दूसरी वाली रेड लेके आपको यहाँ से बनाना है। तो आप ये वाइट को लेके इसके ऊपर ऐसे डाल के बेसिक नोट बना लीजिएगा। फिर यहाँ आप देख सकते हो, उसके बाद फिर इसको टर्न करके ऐसे करके फिर इसको भी फिर ऐसे बनाना है। कुछ भी चेंजेस नहीं है, जैसे मैं बना के दिखा रही हूँ वैसे ही आपको बनाते जाना है। उसके बाद अब नेक्स्ट अब हमें रेड लेके बनाना है, यहाँ आप देख सकते हो। ऐसे करके ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर यहाँ ऐसे तान करके ऐसे करके बनाते जाइए। फिर नेक्स्ट व्हाइट लेके फिर आपको यहाँ पे बनाना है। यहाँ आप देख सकते हो, उसके बाद फिर ऐसे उल्टा करके दूसरी साइड यहाँ पे भी बना लेना है आपको। वैसे करके आप बना के कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे, सिंपल है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने इतना बना लिया। तो गाइस आप भी वैसे ही करके बना के कंप्लीट कर लीजिएगा, जैसे मैं बना के दिखा रही थी वैसे बना के आप भी कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, बस आपको ये ऐसे वेयर आएंगे तो आपको ये नीचे का नहीं लेना है, ये ऊपर का लेके यहाँ पे ऐसे करके बना के कंप्लीट कर लेना है। तो गाइस आप ऐसे करके जैसे मैं बना के दिखा रही थी वैसे बना के आप कंप्लीट कर लीजिएगा, मैं पूरी बना के कंप्लीट करके दिखाती हूँ गाइस। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पूरी बना के कंप्लीट कर लिया, जैसे आगे मैंने बना के दिखाई थी वैसे बना के यहाँ पे मैंने पूरी कंप्लीट किया, वैसे आप भी बना के कंप्लीट कर लीजिएगा। हमने यहाँ से शुरू किया था, तो आप इसको ऐसे गाँध बांध के रख लीजिएगा, यहाँ पे नोट बना के ऐसे रख लीजिएगा। ये हमारा मिडिल है यहाँ पे आप देख सकते हो। बाद में हम इस साइड भी बनाएंगे हाफ और इस साइड भी, इस तरफ भी हाफ बनाएंगे, इसीलिए यहाँ पे मैं गाँध बांध करके रखी हूँ। तो आप भी ऐसे कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम ये कॉर्नर से बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी कुछ भी चेंजेस नहीं है, यहाँ पे भी आपको बस बेसिक नोट बनाते जाना है ऐसे करके। ऐसे करके गाइस बेसिक नोट बनाते जाइएगा।
यहाँ पे आप कहीं से भी आप लेके बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको वैसे बेसिक नोट बनाते जाना है। यहाँ आप देख सकते हो मैंने इतना बना लिया, तो वैसे करके आप कहीं से भी बना सकते हो। बस आपको ऐसे पूरी बना के बीही टाइप में बना लेना है, साइड का माइनस होते जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हो ये साइड का ऐसे, यहाँ आप देख सकते हो ऐसे माइनस होते जाएंगे। आप कहीं से भी बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आप देख सकते हो वैसे आपको सभी को ऐसे बनाते जाना है, बेसिक नोट डाल के। जैसे मैं बना के दिखा रही थी वैसे बेसिक नोट डाल के आप बनाते जाइएगा। वैसे बना के आप कंप्लीट कर लीजिएगा गाइस। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इतना यहाँ पे दो साइड इस तरफ भी और इस तरफ भी हाफ हाफ बना के यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया। आप यहाँ देख सकते हो ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये यहाँ पे हमने गाँठ बन के रखी थी। तो आप भी वैसे बना के कंप्लीट कर लीजिएगा, ये हमारा बेस है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने 9 बनाया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये साइड में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी मैंने नोट बनाया बेसिक नोट। वैसे दो साइड में बराबर आपको 9 बेसिक नोट बना लीजिएगा। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे आप काउंट करके, यहाँ ये 8 है, 8 से हम यहाँ से लेके बनाएंगे। ये आप देख लीजिए, इसको वाइट को बाद में हम कट करेंगे, तो आप इसको इसके अंदर ऐसे करके भी बना सकते हो। दो ऐसे डबल लेके भी आप बना सकते हो, या फिर आप सिंगल लेके भी बना सकते हो। यहाँ पे मैं बैक का कॉर्नर बना रही हूँ, साइड का। हमारा बैक का 4 कॉर्नर रहते हैं, तो यहाँ पे मैं बैक का कॉर्नर बना रही हूँ। तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, तो आप ये इसको छोड़ के फिर ये दूसरी वाली रेत को लेके आपको यहाँ पे बेसिक नोट बनाना है। तो आप ऐसे करके लेके बेसिक नोट बना लीजिएगा। यहाँ पे जैसे मैं बना रही हूँ वैसे आप भी बना लीजिएगा। थोड़ा ऐसे करके अच्छे से टाइट कर लीजिएगा। अच्छे से मिला लीजिएगा, क्योंकि ये कॉर्नर है तो अच्छे से मिलानी पड़ती है, वरना फिनिशिंग अच्छा नहीं दिखती है। इसीलिए आप अच्छे से इसको कॉर्नर को टाइट करके बना लीजिएगा। और ये वेयर को बाद में हम अंदर फिनिशिंग करके
ये वाइट वेयर को कट कर लेंगे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे भी ये दूसरी साइड यहाँ पे भी हम बनाएंगे। आप ये दोनों को लेके यहाँ पे भी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के बाद ये वेयर को लेके आपको ये दूसरी वाले वेयर को लेके बनाना है। यहाँ पे भी वाइट को छोड़ देना है, ऐसे करके बना लीजिएगा बेसिक नोट। ऐसे करके अच्छे से टाइट कर लीजिएगा। अब इसको अच्छे से मिला भी सकते हो ऐसे करके। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हमारा साइड का था कॉर्नर का, ये मेन सेंटर पॉइंट है ये। इसको आपको 1 2 3 यहाँ तक आपको खोलना है। यहाँ आप ऐसे खोल लीजिएगा। मैंने 2 लाइन खोल दिया, फिर ये खोल के फिर हम बनाएंगे। बराबर करके आपको बराबर करके खोल लीजिएगा अच्छे से। यहाँ आप देख सकते हो मैंने खोल दिया। यहाँ पे हमने कॉर्नर का यहाँ पे अभी मैंने बनाई थी, तो यहाँ आप देख सकते हो 1 2 ऐसे करके फिर इतना खोल लीजिएगा। इतना आप देख सकते हो, अच्छा से देख लीजिएगा। इतना खोल के फिर आपको यहाँ से फिर ये वेयर को लेके यहाँ पे फिर आपको बेसिक नोट बनाना है। तो ऐसे बेसिक नोट बना लीजिएगा। ऐसे करके तो यहाँ पे हमारा बराबर हो जाते हैं। तो ये दूसरी वाली साइड का भी लेके आपको बेसिक नोट बना लेना है। यहाँ आप देख सकते हो मैंने यहाँ इतना बना लिया। फिर ये दूसरी साइड का भी हम बनाएंगे। यहाँ से हमने शुरू किया था, फिर ये इसको वाइट को लेके यहाँ पे बेसिक नोट बना लेना है। यहाँ आप देख सकते हो ये दोनों साइड मैंने बना लिया। यहाँ आप देख लीजिए कॉर्नर है, ये एक साइड का कॉर्नर है, ये दूसरी साइड कॉर्नर है। यहाँ पे मैंने बना लिया दो साइड का कॉर्नर। तो ऐसे आ जाएंगे, यहाँ आप देख सकते हो। और ये दूसरी साइड का भी आपको वैसे ही बना के कंप्लीट करना है, कर लेना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दूसरी साइड का भी यहाँ पे बना के कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 हमारा 4 कॉर्नर होते हैं, तो वैसे आप भी बना लीजिएगा।
उसके बाद मैंने चार कॉर्नर यहाँ पे बना लिया। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो ये साइड में ये बेस है हमारा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइट रेड, उसके बाद यहाँ पे मिक्स है रेड और वाइट, और यहाँ पे आप देख लीजिए ये हमारा लेंथ होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे रेड वाइट है, तो यहाँ पे और एक लाइन बनाना है हमें, यह हमारा कॉर्नर थे। तो अब हम यहाँ पे यहाँ जैसे वैसे यहाँ पे भी इतना बना लेंगे, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ तक बना के हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आप भी वैसे करके बना लीजिएगा, बराबर होना चाहिए मतलब दोनों साइड। बस आपको यहाँ पे सिर्फ एक लाइन बना के कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद हम बाद में फिर डिजाइन बनाएंगे। जैसे मैं बना के दिखा रही हूँ वैसे आपको बेसिक नोट बना के यहाँ से वैसे बना के यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। तो आप यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी तीन डिजाइन यहाँ पे बना लिया, ये एक दो तीन। तो यहाँ पर कैसे बनाया मैं बना के दिखाती हूँ। उसके लिए आपको ये वेयर को ले लेना है, पहले ये वेयर को ऐसे करके ले लीजिएगा, ऐसे करके ले लीजिएगा। उसके बाद ये दूसरी वाली वेयर को यहाँ आप देख सकते हो ये वेयर को भी आपको ऐसे फोल्ड कर लेना है, ऐसे फोल्ड कर लीजिएगा। उसके बाद ये वेयर को लेके आपको इसके अंदर ये लूप के अंदर ऐसे करके डाल दीजिएगा। ऐसे डाल देने के बाद आप इसको ऐसे करके ऐसे क्रॉस टाइप का करके ऐसे करके आप पकड़ लीजिएगा। उसके बाद ये वेयर को लेके ये फर्स्ट लूप में आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद ये दूसरी वेयर को लेके ये फर्स्ट लूप, उसके बाद यहाँ सेकेंड लूप में ऐसे डाल के निकाल लीजिएगा। उसके बाद अब हम इसको टाइट करेंगे। ऐसे करके टाइट कर लीजिएगा, फिर दूसरी वाली भी ऐसे करके अच्छे से टाइट कर लीजिए दोनों को बराबर करके। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो हमारा डिजाइन ऐसे आ जाएंगे। उसके बाद फिर ये वाइट को बेसिक नोट बनाना है यहाँ पे, ऐसे बेसिक नोट बना लीजिएगा। फिर ये अब हम फिर रेड को डिजाइन बनाएंगे। उसके बाद फिर से ये वेयर को लेके आपको ऐसे फोल्ड कर लेना है। उसके बाद फिर ये दूसरी वाली वेयर को लेके इसको भी ऐसे फोल्ड कर लेना है। ये वेयर इस तरफ होना चाहिए, पीछे तरफ होना चाहिए। उसके बाद फिर इसको लेके ये लूप के अंदर
ऐसे करके डाल दीजिएगा, यहाँ आप देख सकते हो। और ये वेयर ये अंदर से निकल रहे हैं। उसके बाद फिर आप इसको ऐसे पकड़ने के बाद फिर इसको लेके यहाँ पे फर्स्ट लूप में डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट फर्स्ट सेकेंड लूप में डाल के आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद ऐसे टाइट कर लीजिए। वैसे करके बनाते जाना है आपको, बस यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद फिर बेसिक नोट बनाने हैं यहाँ पे वाइट में। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इतना बना लिया। वैसे करके आपको ये पूरी ऐसे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो आप ऐसे बना के कंप्लीट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये साइड का यहाँ पे बना के कंप्लीट कर दिया। तो आप डिजाइन देख सकते हो हमारा यहाँ पे। यहाँ आप देख सकते हो ये साइड पे मैं थोड़ी से रखी हूँ बना के दिखाने के लिए फ्रेंड्स। जैसे मैं पहले से बना के दिखा रही थी वैसे यहाँ पे मैंने बना के कंप्लीट किया। तो आप भी वैसे बना के कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फिर से बना के दिखाती हूँ। उसके लिए आपको पहले ये वेयर को ऐसे ले लेना है अपनी तरफ, इस तरफ नहीं लेना है, इस तरफ अपनी तरफ इसको ऐसे लेना है। फिर उसके बाद ये दूसरी वाली वेयर को ऐसे पीछे तरफ ऐसे लेना है। उसके बाद फिर ये वेयर को लेके आपको इसके लूप के अंदर डाल के बनाना है ऐसे करके। फिर इसे पकड़ के ये वाला लूप को लेके ये फर्स्ट लूप में ऐसे डाल देना है। उसके बाद फिर ये सेकेंड वेयर को लेके फिर ये दो लूप में डाल के आपको ऐसे निकालना है। उसके बाद फिर इसको ऐसे करके टाइट कर लीजिएगा। ऐसे करके यहाँ आप देख सकते हो अब बन गया हमारा डिजाइन। उसके बाद फिर ये वेयर को लेके फिर यहाँ पे बेसिक नोट बनाने हैं आपको। दूसरी वाले वेयर को लेके भी फिर यहाँ पे ऐसे बेसिक नोट बना लेना है आपको। तो वैसे बना लीजिएगा, फिर ये वाइट दो ऐसे आ जाएंगे। फिर ये दोनों को लेके बेसिक नोट यहाँ पे ऐसे बना देना है। हमें डिजाइन सिर्फ रेत में बनाना है गाइस। यहाँ आप देख सकते हो। उसके बाद अभी हमारा यहाँ पे दो रेत आ गए, तो अब हम यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे। ऐसे करके बना लीजिएगा गाइस। फिर ये दूसरी वाली यहाँ रेत पे भी बनाएंगे हम।
बना लीजिएगा। जहाँ पे ऐसे रेत आ जाएंगे वहाँ पे आपको डिजाइन, ये डिजाइन बनाना है तो वैसे बना लीजिएगा। व्हाइट में आपको डिजाइन नहीं बनाना है, बस यहाँ पे रेत में आप देख सकते हो, यहाँ पे बस रेत में आपको डिजाइन बनाना है। हाय फ्रेंड्स, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, नया साल की आप सभी को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं, और ये साल आप सभी जो भी करना चाहती हो वो हर विश पूरी हो, मेरी दिल से यही दुआ है फ्रेंड्स। और आप सभी हमेशा खुश रहे और सही सलामत रहे, और ये साल भी हंसी खुशी निकल जाए। ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती है फ्रेंड्स, कभी खुशी कभी गम, यही तो हमारा ज़िंदगी है। बस आप कभी हिम्मत मत हारना, आप जो भी कर रहे हो दिल से कीजिए, एक दिन आप ज़रूर कामयाब हो जाओगे। सो फ्रेंड्स, बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। और सॉरी फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ। आप सभी को पता है फेस्टिवल सीजन थी, इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई, थोड़ी बिजी हो गई थी, और फ्रेंड्स तबीयत भी मेरी ख़राब थी, इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई गाइस। इसके लिए आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे मैं बना के दिखा रही थी वैसे बना के आप भी कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हो मैंने यहाँ इतना बना के कंप्लीट कर लिया, तो आप भी यहाँ पे, यहाँ आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इतना बना के कंप्लीट कर लिया, वैसे आप भी पूरी बना के कंप्लीट कर लीजिएगा। आप जो भी कलर डाल के बना सकते हो, अपनी चॉइस से आप कलर डाल के बना लीजिएगा गाइस। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पूरी बैग बना के कंप्लीट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने फिनिशिंग भी कर दिया, उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ी सी रखी हूँ फिनिशिंग करने के लिए। तो अब यहाँ पे हम फिनिशिंग करते हैं, तो कैसे फिनिशिंग करते हैं मैं बना के दिखाती हूँ। ये वेयर को आपको इस तरफ करना है, और दूसरी ये वेयर को फिर इस तरफ करके आपको यहाँ अंदर फिनिशिंग कर देना है। यहाँ आप देख लीजिए, इसको छोड़ के आपको ये दूसरी आली यहाँ पे डाल के आपको बनाना है, तो आप यहाँ इसके अंदर ऐसे करके डाल दीजिएगा, फिर ये दूसरी आली, ऐसे करके डाल दीजिएगा अंदर। आप जितना डालना चाहते हो उतना आप डाल दीजिएगा, वैसे करके आपको पूरी ऐसे डाल के आपको जितना चाहिए आप डाल के बना लीजिएगा। उसके बाद ये दूसरी आली वेयर को भी ऐसे लेके ये दूसरी आली यहाँ पे आपको बनाना है। ऐसे करके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।
ऐसे करके आप अंदर तक डाल के बना लीजिएगा। फिर ये दूसरी वाली भी आपको ऐसे क्रॉस लेके, ऐसे क्रॉस लेके आपको यहीं पे डाल के निकाल देना है। उसके बाद इस तरफ वाला वायर को इस तरफ करके एक्स करके क्रॉस करके आपको ले लेना है। फिर ये दूसरी वाली यहाँ पे डाल के आपको निकाल देना है। ऐसे करके डाल के निकाल के बना लीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हो ऐसे आ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हो मैंने एक साइड का हैंडल बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम दूसरी साइड की ये हैंडल बनाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम दूसरी साइड का हैंडल बनाते। उसके लिए आपको ऐसे दो वेयर ले लेना है। ये मैंने दो वेयर 4 फीट करके कट किया, तो आप भी 4 फीट करके ये दो वेयर को कट कर लीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हो एक दो यहाँ पे दो फ्लोअर है। उसके बाद ये दूसरी वाली फ्लोअर में यहाँ 1 2 3 यहाँ लेके, उसके बाद ये वाइट में मैं डाल के बना रही हूँ। तो आप ये दो वेयर को इसके अंदर डाल दीजिएगा, ये वाइट के बीच में डाल के यहाँ से फिर आप निकाल दीजिएगा। ऐसे करके, ऐसे निकाल के आपको इसको बराबर करके लेना है। तो ऐसे करके बराबर कर लीजिएगा, ऐसे करके बराबर कर लीजिएगा। उसके बाद फिर ये वेयर लेके, रनिंग वेयर लेके इसको आपको कट नहीं करना है। ये रनिंग वेयर है, इसको भी यहाँ पे हम डाल देते हैं इसके अंदर, डाल के यहाँ पे निकाल देंगे इसको भी। ऐसे करके निकाल दीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हो, अब इतना रख दीजिए। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हमारा 4 वेयर आ जाएंगे, इस तरफ 2 और इस तरफ 2। उसके बाद ये रनिंग वेयर है, इसको आप कट मत करना फिलहाल के लिए, बाद में हम कंप्लीट करके कट करेंगे। तो आप ये वेयर को लेके, आपको रनिंग वेयर को लेके आपको ऐसे करके फोल्ड कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हो, फिर ये वेयर को लेके आपको इसका अंदर से ऐसे करके निकाल देना है। ऐसे करके यहाँ पे आप देख लीजिए, ऐसे करके निकाल लेना है आपको। उसके बाद फिर इसको फिर ऐसे करके ऐसे फोल्ड कर लेना है। उसके बाद फिर ये दो वेयर को फिर इसके अंदर से ऐसे करके निकाल देना है। ऐसे करके निकाल दीजिएगा। उसके बाद फिर ये वेयर को ऐसे लेके, फिर यहाँ आप देख सकते हो ऐसे करके, फिर इसके अंदर से आपको ऐसे करके निकाल लेना है। यहाँ आप देख लीजिए, ऐसे करके निकाल दीजिएगा। फिर आप इसको ऐसे फ्रेस कर दीजिए, इसको ऐसे फ्रेस कर दीजिएगा। फिर ऐसे फिर से लेके, फिर से ऐसे लेके, फिर इसके अंदर से आपको ये वेयर को ऐसे निकाल लेना है। यहाँ आप देख सकते हो ऐसे करके। उसके बाद फिर ऐसे करके फिर ये वेयर को इसके अंदर से निकाल लेना है। फिर आप ऐसे करके प्रेस कर दीजिए, ऐसे करके अच्छे से टाइट कर दीजिएगा, ऐसे करके अच्छे से टाइट कर दीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हो, फिर ऐसे लेके फिर इसके अंदर से आपको ये वेयर को फिर से निकालना है।
फिर इसको टाइट कर दीजिएगा ऐसे करके, यहाँ आप देख लीजिए ऐसे करके टाइट कर दीजिए, फिर से ऐसे करके ऐसे करके अच्छे से टाइट कर दीजिएगा। बनाने का तरीका सेम है, वैसे करके आप बनाते जाइए। यहाँ आप देख सकते हो ऐसे डिजाइन आ जाएंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए, वैसे बनाते जाना है आपको। फ्रेंड्स वैसे करके बना के आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ऐसे बना के कंप्लीट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जैसे मैं बना के दिखा रही हूँ वैसे बना के कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको जितना हाइट चाहिए उतना लंबा बना लीजिएगा अपने हिसाब से। यहाँ आप देख लीजिए हमारा बैग का डिजाइन, हैंडल का यहाँ आप देख सकते हो, उल्टी ऐसे होती है यहाँ पे और आगे का वैसे आ जाएंगे। तो आप ऐसे करके पूरी बना के कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर मैं पूरी बना के फिनिशिंग कैसे करते वो दिखाती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इतना बना के कंप्लीट कर लिया हैंडल। तो अब हम ये रनिंग वेयर को कट करेंगे, इसको ऐसे कट कर लीजिएगा। अभी कट करके अब हम ये दूसरी वाली हैंडल को ऐसे लेके बराबर करके मेजरमेंट करके दोनों को बराबर करके उसके बाद यहाँ पे हम फिनिशिंग कर देंगे। तो फिनिशिंग के लिए आप इसको ऐसे करके कट कर लीजिएगा, तो फिनिशिंग करने में इजी रहती है, तो आप ऐसे कट कर लीजिएगा।
उसके बाद अब हम आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ से ये बराबर लेके आपको यहाँ पे वाइट में, यहाँ पे ये वाइट में डाल के आपको बनाना है। तो अब हम यहाँ पे डाल देते हैं इसके अंदर, इसके अंदर ऐसे डाल दीजिएगा। फिर ये दूसरी वाली रनिंग वेयर को भी यहाँ पे डाल दीजिएगा ऐसे करके। यहाँ आप देख सकते हो ऐसे आ जाएंगे। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तैयार करने के बाद अब यहाँ हम यहाँ अंदर हम फिनिशिंग कर देंगे ऐसे निकाल के। उसके बाद अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से एक वेयर लेके यहाँ पे आपको इसके अंदर डाल के आपको फिनिशिंग कर लेना है। यहाँ पे इसे डाल के फिनिशिंग कर लेना है। फिर ये दूसरी वाली वेयर को भी फिर ऐसे क्रॉस करके आपको यहीं पे ये दूसरी वाली इस तरफ साइड में डाल के फिनिशिंग कर लीजिएगा। ऐसे निकाल के अच्छे से टाइट कर लीजिएगा। ऐसे करके आपको एक एक लूप में डाल के फिनिशिंग करते जाना है। फिर ये दूसरी वाली वेयर भी लेके ऐसे डाल के फिनिशिंग कर लीजिएगा। ऐसे करके कर लीजिएगा। फिर ये दूसरी वाली वेयर को भी आपको ऐसे करके क्रॉस करके फिर यही लाइन में आपको ऐसे डाल के फिनिशिंग कर लेना है। आप कहीं और भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिनिशिंग कहीं डाल के भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे डाल देंगे तो हमारा ये टाइट रहेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे डबल डाल के यहाँ पे बना रही हूँ। डबल करके यहाँ पे डाल देंगे तो फिनिशिंग टाइट रहती है, इसीलिए यहाँ पे मैं डबल करके यहाँ पे फिनिशिंग कर रही हूँ। तो आप भी वैसे कर लीजिएगा। ये दूसरी वाली वेयर को भी लेके यहाँ पे हम डाल के फिनिशिंग कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बांध दिया, तो यहाँ पे अब हम इधर डाल के ये वेयर देख सकते हो। ये मैंने कट किया मिडिल से लेके ऐसे करके कट करके यहाँ पे मैंने छोटा किया। उसके बाद ऐसे कट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर ये वेयर को लेके आपको इसके अंदर ये दोनों के बीच में ऐसे डाल के आप इसको ऐसे करके बांध लीजिएगा। ऐसे यहाँ आप देख सकते हो, तब हमारा ये ऐसे लूज नहीं रहते हैं, इसीलिए आपको ये इसको ऐसे करके टाइट करके यहाँ पे इसके अंदर डाल के आप फिनिशिंग कर लीजिएगा। ऐसे करके क्रॉस करके आप ये इसके अंदर डाल के फिनिशिंग करके बना लीजिएगा गाइस। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा बैग बनके रेडी हो गए, कितना ब्यूटीफुल लग रहे हैं। यहाँ आप हैंडल भी देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है। तो आप भी वैसे बना लीजिएगा गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट्स सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।